हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव स्टार्ट की लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस डे में हम देखेंगे आपके क्रश की इस वक्त की फीलिंग्स आपके लिए, वो क्या कुछ सोच रहे, क्या कुछ फील कर रहे। एकदम हैप्पी रहे, पॉजिटिव रहे, थीता पे ध्यान ना दे, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता और कलेक्टिव की एनर्जीज होती है। हर एक बात आपके साथ रेजोनेट नहीं कर सकती, जो रेजोनेट होता उसे रखे, जो नहीं होता उसे इग्नोर कर दीजिए। अगर आप उस सालों से महीनों से इंतजार कर रहे हैं आपके क्रश के एक्शन का और एक्शन नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है। हर रीडिंग रेजोनेट हो जाती है लेकिन रीडिंग का आउटकम मैच नहीं हो रहा है, तो यस आपको पर्सनल रीडिंग में रियलिटी समझ में आ जाती है, ठीक है। तो अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करनी, ठीक है। तो आपके क्रश की इस वक्त की फीलिंग्स आपके लिए, वाओ ड्रीम्स कमिंग ट्रू, बहुत सारे सपने देखे इन्होंने आपको लेके, जो कि शादी के भी हो सकते हैं, रियूनियन के है। अगर आपका पहले से आप दोनों एक दूसरे को जानते थे तो जो कि पहले की बातें बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, वो जो कि फिर से मुझे वैसे ही रिश्ता आपके साथ स्टार्ट करना है। ड्रीम्स कमिंग ट्रू, अपने सपने सच करना चाहते हैं। नंबर 9 है यहाँ पे, जो कि ये बताता है कि आपके इस रिश्ते की एक साइकिल अब एंड हो चुकी है और जो कि नई साइकिल बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि आपके क्रश आपको लेके इस वक्त बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। आपके क्रश स्ट्रॉन्गली कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस कर्क वृश्चिक मीन राशि के हो सकते हैं, एरी लियो सैजिटेरियस में सिंह धनु राशि के हो सकते हैं। बेस्ट चक्र, इनका बेस्ट चक्र ब्लॉक्ड है, इनको बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है। मतलब कि हेल्थ इश्यूज़ भी है, जो कि पेट दर्द इनको बहुत ज़्यादा हो रहा होगा, कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आखिर मेरी हेल्थ इतनी ख़राब क्यों रह रही है। तो ये इसी वजह से, क्योंकि ये डीमोटिवेटेड है बहुत, इनको प्यार की ज़रूरत है, जो कि इनकी ज़िंदगी में प्यार नहीं है, और जो कि आपके पास जब जब आने की कोशिश करेंगे तब तब इनको जैसे कि आपको लेके कुछ गलत बातें, जो आपने पहले कुछ इनको बोला होगा वो बातें इनके माइंड में आने लगती हैं, तो ये अपने आप को रोक लेते हैं। इनको पेट दर्द का बहुत ज़्यादा इशू है। जॉइन स्टेबिलिटी है यहाँ पे, आपके साथ रिश्ते में जैसे कि स्टेबिलिटी चाहते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो ब्राइटनेस, खुशी है इनको आप ही के साथ दिखती है। अगर मुझे इस तरह से खुश रहना है तो आपके पास आने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, मुझे मेरे प्यार के पास जाना ही है, क्योंकि जो अनकंडीशनल लव है वहाँ से कोई भी इनसे अनकंडीशनल लव, मतलब इनके घर में जो भी लोग इनके साथ है, हर कोई सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए इनके साथ है। तो अगर कोई है जिसको मुझसे कुछ नहीं चाहिए तो ये सिर्फ आप हो, तो आपके पास आना ही, इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लानी है, एन्जॉयमेंट चाहिए इनको आपके साथ। थर्ड आई चक्रा, मेडिटेशन करने की कोशिश भी करते हैं, अगर आँख बंद करने के टाइम पे जब ये मेडिटेट करेंगे, अगर कोई मंत्रास बोलना स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम पे भी इनके माइंड में जैसे कि आपके विजन्स आने लगते हैं, आपका फेस इनके आँखों के सामने आने लगता है। ये डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, दिन भर 24/7 आपके बारे में सोचते रहते हैं, और जो कि दिल में डीप सबकॉन्शियस माइंड में इनको इस बात के ऊपर तो कंप्लीट भरोसा है कि मेरी ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा आएगी, जो मैंने चाहा है, जो मैंने मांगा है भगवान से, मैंने ऐसा कुछ गलत नहीं किया है, कभी मैंने किसी का कुछ बुरा नहीं किया है, तो मेरे साथ बुरा क्यों होगा, जो मैं चाहता हूँ वो मुझे सब मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके साइड से दोनों पॉजिटिव कार्ड्स हैं, आपके क्रश आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, और जो कि ब्लेसिंग्स आपको मतलब अपने लिए एक आशीर्वाद के रूप में मानते हैं, वो स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड्स, आपके इस रिश्ते के बॉन्ड्स को स्ट्रेंथ देने की कोशिश कर रहे हैं, जड़ों से मजबूत करना है, मतलब कि आपके इस रिश्ते को कोई नाम देना है शादी का। अगर आप दिल से इनसे शादी करना चाहते हैं और अगर आपके क्रश अनमैरिड पर्सन है तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत एफर्ट्स लगा रहे हैं अपने घर में शादी करने के लिए, ट्रस्ट है। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि ये अपने एफर्ट्स में कामयाब हो जाएंगे, इनके घर वालों को मना पाएंगे और जो कि आपसे शादी करेंगे, इस रिश्ते में सक्सेस एंड ग्रोथ डेफिनेटली आएगी, ऐसा इनको दिल से लगता है। ये इस वक्त की फीलिंग्स इनके आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको भगवान से मांग रहे हैं, मन्नत मांग रहे हैं, जैसे कि अगर इनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता हो तो शायद मैनिफेस्टेशन टेक्निक ट्राई कर रहे हैं। जाने अनजाने खाते पीते वक्त आपको सोचने की वजह से भी आप मैनिफेस्ट हो रहे हो, ठीक है। तो ये इनकी इस वक्त की फीलिंग्स है आपके लिए, हम देखते हैं इस वक्त आप क्या फील कर रहे हो आपके क्रश के लिए। ट्रू मैसेज दिए हुए यहाँ पे नंबर है 2914108, आपके क्रश के बर्थ डेट्स हो सकते हैं 111222, आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, ठीक है। तो 10 20 30 आपके क्रश के बर्थ डेट्स हो सकते हैं। ट्रू मैसेज दिए हुए इस वक्त मेरे व्यूवर्स की क्या फीलिंग्स है इनके क्रश के लिए, इस वक्त मेरे व्यूवर्स की क्या फीलिंग्स है इनके क्रश के लिए। आप थक चुके हो, अगर आप रेगुलर व्यूअर्स हो तो आपको पता है जब आप कार्ड तो आपके सामने ही शफल होते हैं और ये कार्ड पहले ही आ जाता है, आप बहुत ज़्यादा थक चुके हो इस रिश्ते में एफर्ट्स लगा लगा के। आपको लगता है कि सिर्फ मैंने प्यार किया और जो कि सामने वाला बहुत बड़ा धोखेबाज था,
मैंने मुझे इतना करना ही नहीं चाहिए था, मुझे कभी भी अपना 100% देना ही नहीं चाहिए था, काश मैं भी इसी की तरह चीटर होता तो कितना अच्छा होता। आप इस तरह से सोच रहे हो, द लवर्स का कार्ड है यहाँ पे, आपका प्यार सच्चा है और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, ये मेरा सोलमेट है, मेरा पास्ट लाइफ कनेक्शन है, शायद इसी वजह से जो कि मैं इससे जुदा नहीं हो पाती हूँ। क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जीज है, शायद आपकी कोई कंडीशन है जो आपके क्रश मानना नहीं चाहते, जिस वजह से रिश्ता रुका हुआ है। जैसे कि स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे आया था, अगर आपकी कंडीशन शादी थी, अगर आप इनसे शादी करना चाहते थे तो आपके क्रश इस वक्त शादी के बारे में सोच रहे हैं। स्ट्रेंथ नहीं इस वक्त इनके इनके पास आपके लिए एक्शन लेने के लिए, क्योंकि शायद ये आपकी जिद इस वक्त कंप्लीट नहीं कर सकते, लेकिन ये आपकी विश फुलफिलमेंट है, आप इनको दिल से पसंद करते हो, इनके अलावा आप किसी और को कभी भी मतलब पार्टनर के रूप में चाहते ही नहीं हो। और अगर आप किसी को देखने के लिए जाओगे भी तो फिर भी आप इनको जैसे कि हर किसी में ढूंढने की कोशिश करोगे जो कि आपको नहीं मिलेगा, और फिर जो कि आप रिजेक्ट रिश्तों को रिजेक्ट करते जाओगे। सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है, आप अभी भी आपके क्रश ने जो आपके साथ चीटिंग की थी, धोखाधड़ी करी थी, उस बारे में ओवर थिंकिंग कर रहे हो और फिर मैं सही कर रही हूँ इसका इंतज़ार करके, आपको ऐसा लग रहा है इस वक्त। ठीक है, हम देखते हैं इस वक्त आपसे बात क्या करना चाहते हैं। ट्रू मैसेज जीनियस, इस वक्त ये मेरे व्यूअर्स से बात क्या करना चाहते हैं, वो आपको कुछ भी नहीं है, अपनी फीलिंग्स इस वक्त हाइड कर रहे हो जो कि अपने फाइनेंसिस के ऊपर फोकस्ड है। अगर आपको लगता है कि आपके क्रश आपके साथ बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेवियर कर रहे हैं तो यहाँ पे ये किसी और के साथ मतलब बिजी नहीं है, किसी और से प्यार व्यार नहीं करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी ग्रोथ और अपने फाइनेंसिस के ऊपर फोकस्ड है और अपनी फीलिंग्स इस वक्त आपसे हाइड कर रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के एंजल गाइडेंस क्या है इस वक्त, मेरे व्यूवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है इस वक्त। ई एम्परर, आपको जैसे कि जैसे हो वैसे रहो, ठीक है, आपके अंदर ईगो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप पहले बहुत अपने आप को मतलब कि इन्हीं के हिसाब से चलाने की कोशिश करते थे तो अभी आपको ऐसे नहीं करना, अभी आपको एम्परर बन के रहना है। आप जैसे हो अगर वैसे रहते हो तो आपकी यही पर्सनैलिटी, आपकी यही रूडनेस आपके क्रश को आपके ओर अट्रैक्ट करेगी और जो कि आपका रीयूनियन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको जैसे वैसे अब रहो, रीयूनियन के ऊपर भरोसा करो कि फ्यूचर में रिश्ता डेफिनेटली स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, हम देखते हैं कि इनकी तरफ से आपको कुछ एक्शन आएगा आज के दिन। गाइड करो यूनिवर्स, क्या इस 24 घंटों में मेरे व्यूअर्स के लिए इनके क्रश का कुछ भी एक्शन आएगा, कुछ भी एक्शन आएगा इनकी तरफ से मेरे व्यूअर्स के लिए आज 24 घंटों में कुछ भी। क्वीन ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड यहाँ पे नहीं आएगा, इनका एक्शन लेने का दिल बहुत करेगा लेकिन ये बार बार अपना जैसे कि डिसीजन चेंज कर लेंगे और एक्शन नहीं लेने वाले। ठीक है, तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट है वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको पर्सनल रीडिंग कराने, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करने। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। क्या हो गया?